सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम विजय है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अगस्त 2022 से प्रभु से जुड़े हुए हैं, इस चर्च भवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे चर्च की जो मीडिया टीम है उसमें काम करते हैं। ये बताते हैं कि पीजीआई के चंडीगढ़ के जो फॉर्म्स आए हुए थे जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगनी थी। सबको जय मसीह की, मेरा नाम विजय खन्ना है और मैं यहाँ सेक्टर 67 मोहाली से आया हूँ। वैसे मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। तो नवंबर से दो महीने पहले फॉर्म आए थे पीजीआई के, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ऐसे ही भर दिया। सिर्फ 5 सीट थी जनरल की, तो मैंने भर दिया। फिर नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अभी उसका रिजल्ट आया तो जिसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है। पहले वो गवर्नमेंट जॉब मुझे पीजीआई संगरूर में लगी थी, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ चर्च में, तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु संगरूर नहीं जाना मेरे को। और सिस्टर ने भी मेरे से बोला कि संगरूर से आपको आना पड़ेगा, तो मैंने बोला प्रभु अब आप संभालो। तो फिर जब वहाँ पे हम गए अपना वेरिफिकेशन कराने, मेडिकल वगैरह कराने, तो उन्होंने बोला अभी तो हम वहाँ पीजीआई का वो संगरूर वाला हॉस्पिटल अच्छे से बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, तो आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। तो इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब करना। हालेलुया, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक दिन ये जब बता रहे थे तो ये संगरूर की बात कर रहे थे और पता नहीं मैं इनके लिए क्या बोले जा रही थी मैं, अच्छा आपका पीजीआई में लग गया है, पीजीआई में लग गया है, ऐसा ही मैं कह रही थी। और आपको पता है कि जो बोलोगे तो वो हो गई और मैंने ऐसे कह दिया पीजीआई में। मुझे संगरूर का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलो, संगरूर क्या है। हालेलुया, पर मुझे लगा कि इनके पीजीआई में लग गए और जो लगी नहीं थी। और जिस दिन मैंने बोला तो उसके बाद से फिर से आया और उसके बाद इनका पीजीआई चंडीगढ़ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसे जोर से तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये कैसे हुआ ये बताओ, कैसे हुआ? और जब ये परमेश्वर के भवन में मीडिया टीम में काम करने लगे, सेवा करने, चर्च तो आते ही थे हर संडे, और लेकिन उसके बाद ये आते थे लैपटॉप में प्रेयर करवाना, एग्जाम जब है तो प्रेयर करवाना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं सब कुछ कर पाऊँ अच्छे से। हालेलुया, और इनको सेवा का काम दे दिया गया। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ जब आप सेवा करते हो तो आपके बंधन टूटते, कई बार वो प्रार्थना से नहीं टूटते, जब आप सेवा करने से टूट जाते हैं। आपको पता मेरे दुष्टात्मा जो मेरे अंदर अटैक करती थी कैसे निकली है? मैंने बोल दिया मैं सेवा करूंगी और दुष्टात्मा छोड़कर चली गई। इसे जब आपको सेवा दिया जाता तो अपना बेस्ट आपको देना है। हालेलुया, आपको पता नहीं प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है। जब आप परमेश्वर के घर में जॉब करते हो, सेवा करते हो बिना पैसे के, तो आपको पता नहीं है जब परमेश्वर पे आउट करता है तो अनलिमिटेड पे आउट करता है, हमारी सोचों से बढ़कर पे आउट करता है। एक इंसान लिमिटेड में पे करेगा लेकिन जो परमेश्वर होता है वो अनलिमिटेड और हमारी सोच से बढ़कर पे आउट करता है। हालेलुया, इधर जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, ताली बजाकर उसकी महिमा करें जोर से। हालेलुया, इसमें कोई नहीं, नहीं कोई रिश्ता। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे तो नहीं लगती, ये तो पता है मुझे। पैसे लगे इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल पैसे नहीं लगे, 100% श्योर है, 100% किसी को पैसे खिलाना तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं। और रिश्वत देना भी पाप है, याद रखना, ब्राइब लेना देना पाप है। मेडिकल कराने के टाइम पे दोस्त लोग बोल रहे थे कि दे देते हैं थोड़ा, मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे करना है कर लो। फिर उसके बाद फिर वहाँ गए तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पीजीआई में कुछ चलता भी नहीं है। चलता तो दे देते हैं। नहीं मैं तो वैसे भी नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था, पर वो लोग जाके बहुत ज्यादा बोल रहे थे नहीं दे देते हैं क्या होगा देखी जाएगी। मतलब मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को जैसे करना है, मैं भटक लूंगा, 2-3 दिन मेडिकल में टाइम लगेगा, क्या ही हो गया। फिर क्योंकि मुझे 21 दिन का एक्सटेंशन भी चाहिए था, मेरे एग्जाम है अभी जो मैं कम्प्लीट कर अपना MS कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैं बोला मेरे 21 दिन के बाद मैं आराम से कर लूंगा मेडिकल, 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर वहाँ जब उन्होंने करवाया, 2-3 दिन मैं भी गया, तो मुझे पता चला कि ऐसे ही हो जाता है, मतलब वहाँ पे ऐसा पैसों वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रभु ने मुझे ऐसी जगह गवर्नमेंट जॉब दी है जहाँ पे पहले से ईमानदार लोग हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखो बिना ब्राइब, बिना रिश्वत, बिना लेन देन के परमेशन ने इस जॉब के साथ ब्लेस किसलिए, जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं, तो विश्वास के साथ कि ना तो मैं ब्राइब दूंगा ना लूंगा, ना रिश्वत दूंगा ना लूंगा, जैसे दानियल ने मन में ठान लिया
तो उस प्रधान के अंदर में परमेश्वर ने अनुग्रह को डाल दिया, ठीक है ओके, जैसे तू चाहता तेरे वैसा ही होगा। तो जब आप परमेश्वर में अड़े खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता जाता है। सिर्फ वहीं तक नहीं, परमेश्वर ने उसका प्रमोशन भी किया, एक ग्रेट पोजीशन में परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया। तो जब आप भी जाओगे तो सचमुच में यदि आप चाहते हो तो प्रभु आपके लिए भी वैसा ही करेगा। जो परमेश्वर बने रहते हो उसके काम करने के लिए आते हो, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हो, तो एक बार फिर से जोर से तालियां बजाओ, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जी। ओ यीशु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। यीशु मेरा अमृत जल, मैं जीवन